स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम जा रहे हैं राजमा की सब्जी बनाने। देखिए यहाँ पर हमने अपना राजमा को रात भर भिंगो के रखा हुआ था और ये हमारा छोटा वाला राजमा है, देखिए बहुत ही छोटा है। अब इसको हम उबालेंगे। तो देखिए हमने अपना कुकर में राजमा को डालकर पानी भी डाल लिया है। अब हम इसमें ये दो टमाटर डाल देंगे और ये दो मिर्च डाल देंगे और यहाँ पर दो कटे हुए ये प्याज डाल देंगे और इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, उसको डाल देंगे और इसमें अब हम हल्दी पाउडर डालेंगे और डालकर इसे बंद करके इसे 3 से 4 सीटी लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने अपना राजमा को उबाल लिया है और यहाँ पर ये टमाटर का छिलका अलग हो गया है तो इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए यहाँ पर देखिए हमने अपना छिलका अलग कर लिया है तो एक हम आपको चेक करके दिखा रहे हैं। देखिए अच्छे से पूरा कट जा रहा है तो इसका मतलब ये हमारा हो गया है। तब इसको हम बनाएंगे। अब इसे हम मैश करेंगे। देखिए यहाँ पर इसको मैश करके हमने एक बर्तन में निकाल लिया है और इसे हमें पूरा मैश नहीं करना है। अभी अपना एक पैन हम लेंगे, इसको गैस को स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर हमने पैन में ऑयल डाल लिया है और ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो इसमें हम जीरा डालेंगे। जीरा हमारा अच्छी तरह से भून चुका है तो इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। तो यहाँ पर हमने जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और यहाँ पर गरम मसाला और यहाँ पर लाल मिर्च लिया है, सभी चीज़ों को हम इसमें डाल देंगे। हल्दी हमने इसमें नहीं डाला है क्योंकि हल्दी हमने डाला था उबालते समय। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ऐसे भून लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला भून चुका है तो इसमें अपना ये राजमा डाल देंगे। ये देखिए हमारा राजमा हो गया है तो अपने गैस को बंद कर देंगे, ऐसे सर्व करेंगे। ये देखिए हमारे राजमा की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।